चला दोन्ही संघाचा 12 खेळाडू उद्या वाशीगावचे 12 खेळाडू होते करावगावचे आलेले आहेत आले वाशीगावचे चला चालू करा चालू करा चला हरकत नाही आम्ही घेऊ सांभाळून चला चालू करा आम्हाला पाठ आहेत बोलतात नाव करावेवाले पाठ चला सामना चालू करा प्लीज अंपायर ये बाटली दे ना ये बघ दे ना त्यांची भरून दे मनोज मनोज आणि विनय स्ट्राइकला चला पंचांच्या भूमिकेत आमच्या बोनकुडी गावचे 40+ किरण नाईक आणि नितीन नाईक चला जास्त टीम मीटिंग घेऊ नका अजूनही 5 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत चला वाशीगाव सहकार्य करा आम्हाला जरा बॉल बघायचं ते इथे येऊन थांबा मंचावर आमचे पोलीस पाटील गावचे त्यांचे सुपुत्र सतीश पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे त्यांचं सरस स्वागत मापे 40+ वतीने चला सामना चालू करायचा आहे हिरामन चला संघाचं पहिलं षटक घेऊन येत आहे हिरामन पाटील सामना 4 षटकांचा राहिल्याची सर्व संघांनी नोंद घ्यायची आहे आणि प्रथम स्ट्राईकवर येतोय मनोज मनोज हा धडाडाचा फलंदाज आहे तो षटकार चौकार मारण्याचा माहेर असा आहे मनोज
बाटल्या भर ना त्या बाटल्या भर बॉटलचा भर दे अरे ये सब भर बोल रहा है पानी का बॉटल भर बोल रहा है चला आणि पंचांचा इशारा येतोय सामना सुरुवात पहिला षटक पहिला चेंडू हिरामन पाटील बघूया आपल्या संघासाठी मनोज आणि धाव संख्या डिक्लेअरच्या स्वरूपात श्री गणेश होतोय करावे एक धाव दुसरा चेंडू घेऊन येते हिरामन मारा करील सुंदर असा मारलेला फटका आणि हा षटकार मी म्हटलं होतं आय म्हणजे वाटोला केला बॉलावर तसाच गाणी लावला षटकातलं तिसरं चेंडू घेऊन येते हिरामन समोर आहे मनोज पुन्हा डिक्लेअरच्या स्वरूपात एक धाव संख्या आठ बिनबाद आठ करावे तीन बॉल आठ गोलंदाजाला पण माहिती आहे फलंदाज कसा खेळतोय तो बिनबाद आठ करावे चला फास घ्या तीन चेंडूच्या समाप्तीने धाव संख्या आठ बिनबाद आठ चौथा चेंडू घेऊन हिरामन सुंदर असा कटवलेला चेंडू बघूया किती धाव संख्या होते धाव संख्या दोन ने वाढते धाव संख्या दहा दुहेरी अंकात अजूनही एक धाव धाव संख्या अजून दोन धावांनी वाढते आणि हा चार धाव संख्या बारा धाव संख्या बारा चार चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या बारा षटकातले दोन चेंडू बाकी शेवटचे दोन चेंडू बाकी पहिल्या षटकातल्या ह्या इनिंग मधल्या पहिल्या षटकातल्या मनोज धाव संख्या एक ने वाढते तीन चेंडू धाव संख्या तेरा शेवटचा चेंडू बाकी आहे शेवटचा चेंडू बाकी आहे मनोज यांनी लगातार घोषित क्षेत्रात तीन चेंडूंची हॅट्रिक केलेली आहे पाच तेरा शेवटचा चेंडू बाकी आहे आले आले ते धाव संख्या एक ने वाढते धाव संख्या चौदा पहिला षटक संपलाय धाव संख्या चौदा बिनबाद चौदा करावी संघाची सुरुवात चांगली सुरुवात म्हणावं लागेल रिक्षाची शीट गेली ते आम्ही जबाबदार नाही
गाड़ी नहीं ले रहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीने धावसंख्या 14। ऊन सुंदर पडलेला आहे पण आमचे 40+ खेळाडू असल्या उन्हाला मानत नाहीत। ऊन असू द्या थंडी असू द्या 40+ खेळाडू खेळणार म्हणजे खेळणार। पावसामध्ये पण खेळतात पावसाळी मॅच। डे असू द्या नाईट असू द्या नाईटला तर उत्तम खेळतात 24 तास खेळतात असे आमचे 40+ करायचे खेळाडू सांगतात। खरोखर त्यांचा धन्यवाद। बॉलर नेम सांगा काशीनाथ आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं दुसरं चेंडू घेऊन येत आहे। पहिला चेंडू आला आला अरे नशीब नो बॉल आणि धावा 2 धावसंख्या 16 धावसंख्या 16 धावसंख्या 1 नि वाढते धावसंख्या 17 धावसंख्या 17 यानंतरचं विवरण मी राहुल हिंदी मध्ये आमचे कॉमेंटेटर धन्यवाद अशोक नाना। तो देखिए यहाँ पर एक ओवर दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या हुई है 18। तो दो बल्लेबाज मनोज और विनय आए थे बल्लेबाजी के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक काफी अच्छा खेल दिखाया है। सचिन सहवाग जैसी जोड़ी है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और कृष्णकांत गेंदबाजी के लिए है। पहली गेंद इस गेंद पे खेल दिया गेंद जा रही है स्क्वायर की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है गेंद पकड़ेंगे वापस पहुंचाएंगे विकेट कीपर तक। तब तक एक रन हासिल किया गया रन संख्या जा पहुंची है 19 रनों के घर एक ओवर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। तो आशिक और करावे के दरमियान ये मुकाबला। वाशिगांव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और अब तक एक ओवर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 19 रन बनाए हैं। चौथी गेंद यहां पर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना खेलना चाहते थे गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में लेकिन बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लेकर गेंद गई वहां पर पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी तैनात थे गेंद को फील्ड किया कोई रन बनाने का मौका नहीं। एक ओवर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 19 रन। स्ट्राइक पे है विनय नॉन स्ट्राइक पे मनोज। इस बार लो फुल टॉस की गेंद थी गेंद को लिया अपने बल्ले पर और गेंद को पहुंचाया स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए। डीजे यहाँ पर स्ट्रोक लगाया यहाँ पर विनय ने पहले 2 गेंदों में स्ट्रगल किया था लेकिन उसके बाद लो फुल टॉस की गेंद थी कलाइयों के सहारे मोड़ दिया गेंद गई वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ डीप में 6 रनों के लिए। वहां पर खिलाड़ी के पास कोई मौका कोई चांस नहीं था गेंद को लपकने का पकड़ने का। और यहाँ पर अब पांचवी आखिरी गेंद इस ओवर की विनय के लिए एक बार फिर से ऑफ की दिशा में जाकर गेंद को वापस लेग साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज तैयार थे उन्होंने गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पीछे किया और बल्लेबाज चकमा खा गए और इसके साथ ओवर की समाप्ति रन संख्या 25। तब तक हमने देखा है इस ग्राउंड पे अगर आप 35-40 रन खड़े करते हैं तो उसे बनाना मुश्किल साबित हुआ है अपोजिट टीम के लिए। लेकिन पहला मुकाबला हमने ऐसा भी देखा कि इसमें 75 रन बनाए गए थे 4 ओवर में और उस 75 रन को 4 गेंद रहते ही जीत लिया था। तो लो स्कोरिंग भी हुए हैं हाई स्कोरिंग भी हुए हैं लेकिन आज के दिन के मुकाबले सभी लो स्कोरिंग होते हुए तो मुझे लगता है कि अगर आप 35-40 रन बना लेते हैं तो एक आपके पास अपर एंड होगा एक चांस होगा मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने का। लेकिन साथ में गेंदबाज भी
जानते हैं कि उस 35 के स्कोर के पीछे ही रोकना होगा। अब गेंदबाजी के लिए मनोज, बल्लेबाजी के लिए मनोज, मनोज टू मनोज, राउंड द विकेट, राइट हैंड इस बार खेल दिया, गेंद जा रही वहां पर कॉर्नर की दिशा में, गेंद को उठाया गया, पहुंचाया गया, अच्छी फील्डिंग और तब तक एक ही रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। रन संख्या अब जा पहुंची 26 रनों के घर। तो अब आने वाली 11 गेंदों में अगर 11 रन बनाते हैं तो आप रन संख्या को ले जाएंगे 37 तक और वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेकिन 11 गेंदों में यकीनन एक दो बड़े शॉट भी लगाना चाहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी, सलामी जोड़ी अब तक सुरक्षित है, इंटैक्ट है, अब तक अच्छे शॉट खेलते हुए। और यहाँ पर गेंद हवा में जाती हुई, गेंद के पीछे आते हुए दो खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग की गई हीरावन द्वारा, केवल एक रन बनाने का मौका, रन संख्या जा पहुंची 27 रनों के पास। दो ओवर दो गेंदों की समाप्ति के बाद हीरामन काफी स्टाइलिश खिलाड़ी, स्पेक्स, अ पोनीटेल, अ नाइस, मुकेश स्क्वायर लेग पे खड़े खिलाड़ी, मुकेश काफी स्टाइलिश खिलाड़ी है, पोनीटेल और स्पेक्स के साथ फील्डिंग करते हुए दिखाते हुए कि किस तरह के स्टाइलिश खिलाड़ी है। और यहाँ पर एक इधर में आने एक वनडी एक क्षण का शॉट, रन संख्या 27 पर जा पहुंची है, 28 रन पर माफ कीजिएगा। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपका और इसी के साथ मनोज की पारी हुई समाप्त। मनोज को जाना होगा पवेलियन और पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ, पहली कड़ी को तोड़ते हुए यहां पर वाशीगांव की टीम। यहाँ पर वाटर्स, ओम वाटर सप्लाई के मालिक रोहित कोरवन का स्वागत होता हुआ और उनके पार्टनर जीतू डावरकर। दो गेंदें शेष है इस ओवर की, अब तक 28 रन मुकम्मल हो चुके हैं। नए बल्लेबाज, नए बैट्समैन कुंदन आया, पहली गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, मुकेश थोड़ी गफलत हुई उनसे, थोड़ा सा दो तीन जगलिंग में कैच उस गेंद को पकड़ा गया और उतनी ही देर में दोनों खिलाड़ियों ने एक एक्स्ट्रा रन चुरा लिया। रन संख्या जा पहुंची 30 रनों पर। दो ओवर पांच गेंदों की समाप्ति के बाद अभी भी 7 गेंदें शेष है। अब मुझे लगता है इन 7 गेंदों में विनय और कुंदन चाहेंगे कि कुछ बड़े शॉट लगाए जाए, ज्यादा से ज्यादा रन अर्जित किए जाए करावे 40+ टीम के लिए। इस बार करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए। डीजे करते हुए अपने मंसूबे काफी क्लियर करते हुए कुंदन, जो कि पहला विकेट मनोज का विकेट गिरने के बाद आए थे, और मुझे लगता है कि वो विकेट उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ, वरदान साबित हुआ, क्योंकि मनोज स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन उसके बाद जैसे ही कुंदन आए उन्होंने 2 गेंदों में 8 रन बनाए हैं। पहली गेंद पर 2 रन चटकाए और दूसरे गेंद पर एक लंबा छक्का लगाया, 36 रन, 36 रन मुकम्मल हो चुके हैं। और अब गेंदबाजी के लिए स्टाइलिश मुकेश, पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद विनय के लिए, विनय ने गेंद खेल दिया, गेंद जा रही वहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। तो रन संख्या अब जा पहुंचे 40 रनों के घर। जैसे कि मैंने कहा था 35-40 रन अगर आप बनाते हैं तो यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और यहां पर 40 रन का जो टप्पा है उसे पार कर लिया है, 5 गेंद शेष रहते ही, अभी भी 5 गेंद शेष है। इस बार एक बार फिर से यहां पर करा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार गेंद गई वहां पर घोषित क्षेत्र में, केवल 1 रनों का इजाफा होगा। ग्राउंड प्रतिबंधित होने के कारण पावर प्ले के अंदर विकेट कीपर के पीछे सभी तरफ 1 रन घोषित रखे गए हैं, और अगर पावर प्ले के बाहर जाती है गेंद तो आप भागकर रन
अर्जित कर सकते हैं, दो तीन चार आपको जितने चाहे उतने रन भाग कर अर्जित कर सकते हैं। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, एक बार फिर से गेंद गई गुच्छी क्षेत्र में, एक बार फिर से एक रन का इजाफा। विनय यहां पर काफी लेग साइड में अटेम्प्ट करते हुए अपने जोन को उन्होंने परख लिया है। तीन गेंदों के समाप्ति के बाद 38 रन हुए हैं, 42 रन हुए हैं अब तक। अपने इंटेंट को क्लियर किया है, लेग साइड की दिशा को टारगेट करते हुए, जिस तरह रॉस टेलर सभी गेंदों पे लेग स्टंप पे लेग साइड में खेलने में माहिर करते और प्रेफर करते थे, उस प्रकार यहाँ पर विनय सभी गेंद को लेग स्टंप लेग साइड में खेलना चाहते हैं और रन अर्जित करना चाहते हैं। चलिए गेंद अगर चॉइस हो गई हो तो खेल शुरू किया जाए। विनायक चौथे गेंद, इस बार खराब गेंद, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी लेकिन लेग स्टाइड के बाहर, लेग स्टंप के दिशा के बाहर और लेग स्टंप के गाइडलाइंस के तहत कोई भी गेंद अगर लेग स्टंप के बाहर जाती है तो उसे व्हाइट करार दिया जाएगा। एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, गेंद को खोद कर निकाला, गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन उसके बाद खराब थ्रो खराब गैदरिंग के चलते एक एक्स्ट्रा रन। रन संख्या जहां पहुंची है 45 रनों के घर, अभी भी दो गेंदों का खेल शेष है। मुझे लगता है कि टीम 50 के पार ले जाना चाहेंगे अपने स्कोर को, टीम करावे। इस बार एक बार फिर से खराब गेंदबाजी, इस बार फिर से लेग टाइम लेग गाइडलाइन से बाहर जाते हुए यहां पर गेंदबाज मुकेश अपनी टीम के लिए अब तक 10 रन खर्च किए हैं निर्धारित 4 गेंदों में, अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है। इस बार करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है गोइंग, अहो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दुर्दय हुआ है वहां पर। स्पाइडर कैम को लग के गेंद वापस आई, वहां पर कैमरे को लगी। स्पाइडर कैम के जो वायर है उसको गेंद लगी, टकराई और इसके चलते यहां पर 2 रन है, इससे संतुष्ट होना पड़ेगा। तब 2 रन का इजाफा, रन संख्या जा पहुंची 47 रनों के घर। आखिरी 48 आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, आखिरी गेंद इस ओवर की। मुझे लगता है कि एक बार फिर से आखिरी गेंद फेंकनी पड़ेगी, बिकॉज व्हाइट प्लस 1 यहां पर इशारा अंपायर का। यहां पर हाफ सेंचुरी का जो टारगेट है वो टीम करावे अचीव किया है और उनके खेमे में तालियों से स्वागत किया जाता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों का, क्योंकि जानते हैं 45-50 रन काफी अच्छा स्कोर, अच्छा टोटल कहा जाएगा यहाँ इस ग्राउंड पे। इस बार ब्लॉक होल पे गेंद थी, गेंद को खोल कर निकाला, केवल एक रन मिलेगा। तो रन संख्या हुई 51 और 52 रनों का लक्ष्य, 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम वाशीगांव के समक्ष। तो यहाँ पर केवल एक विकेट खोया टीम करावे ने और कुल स्कोर 51 हासिल किया है, जो कि अच्छा स्कोर, अच्छा टोटल माना जाएगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि मैंने आज के दिन देखे हैं कि अगर आप 40-45 रन भी उभारते हैं खड़ा करते हैं तो वो काफी मुश्किल साबित हुआ है विपक्षी टीम के लिए। तो आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर 63 जो तुर्बे गांव ने बनाया था और उस टीम उस मुकाबले को जीता था। और अब तक कोई भी मुकाबला अगर आप 40-45 तक पहुंचाते हैं तो उस मुकाबले को विपक्षी टीम को जीतने के लिए थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी मशक्कत होती हुई। तो चलिए आइए रुक करते हैं सतारा स्पोर्ट्स और मेरे साथी डीजे मैन एक सुमधुर संगीत की तरफ। डीजे
लेट्स प्ले। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, गेंद को पहुंचाया पॉइंट की दिशा में, एक रन चुराया। इसी के साथ रनों का श्री गणेश, रनों का आरंभ होता हुआ टीम वासीगांव के लिए। हम सभी जानते हैं वासीगांव की टीम अच्छी टीम है। मुकेश आए हैं स्ट्राइक पर और दूसरे बल्लेबाज का नाम हमें नहीं पता है। प्लीज सर, अपना 12th प्लेयर पहुंचाए वासीगांव की टीम। इस बार राउंड विकेट आते हुए मुकेश के लिए, मुकेश ने पुल कर दिया है, गेंद जा रही है वहां पर डिप्स कॉले की तरफ, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को उठाया, पहुंचाया अपने विकेट कीपर तक, केवल एक रन बनाने का मौका, तुरंत संख्या पहुंची दो गेंदों के समाप्ति के बाद दो रन। तो अब एक बार फिर से उमेश होंगे स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे मुकेश। तीसरी गेंद, इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है काउट करने की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग कहना चाहूंगा, अच्छा पिकअप, अच्छा थ्रो, केवल एक रन बनाने का मौका, तुरंत संख्या आप जा पहुंची तीन गेंदों के समाप्ति के बाद तीन रन। अब तक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी की गई है, सूझबूझ वाली वहां पर बल्लेबाजी की गई है, 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है। उस इस बार पुल किया, एक पुल हुआ है, सक्सेसफुल गेंद गई है बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए डीजे। तो यहाँ पर करारा स्ट्रोक लगाया है, कहाँ पर करारा समाचार लिया है, वहां पर देखा जैसे कि गेंद शॉर्ट ऑफ द लेंथ की गेंद है, उस गेंद को पुल किया, अपने मंसूबे स्पष्ट किए और वहां पर अपने टीम के स्कोर को, जो एक सर्वाधिक छलांग होती है, जो सबसे बड़ी छलांग होती है, 6 रनों की छलांग, उस छलांग को लिया और पहुंचाया गेंद को 6 रनों के लिए। गेंद कुछ और ही है मुकेश के, जैसे मैंने कहा था स्टाइलिश खिलाड़ी है, लेकिन स्टाइलिश शॉट भी लगाते हुए दो बड़े गगनचुंबी छक्के लगाए हैं वहां पर मुकेश ने, और बताया कि क्यों वो स्टाइलिश खिलाड़ी माने जाते हैं और क्यों इस स्टाइल के दरकार है। तो यहाँ पर मुकेश ने काफी समाचार लिया, यहाँ पर अपने मंसूबे स्पष्ट किए हैं, मंसूबे बताए हैं कि किस तरह मैं खेलना चाहता हूँ, और अब तक 4 गेंदों में 14 रन की पारी खेली है। ओहो, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, यहाँ पर दूसरी गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में जा रही है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी आता हुआ, यहाँ पर दुर्दैव ग्राउंड थोड़ा प्रतिबंधित होने के कारण यहाँ पर गेंद लगी पेड़ को और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 रन चुराए। चलिए रुक करते हैं टॉस के लिए, यहाँ पर टॉस होता हुआ, यहाँ पर टॉस जीता है पर तुरबा टीम ने टॉस जीता है। इसके बाद होने वाला मुकाबला, हेलो, यहाँ पर मुकेश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो भी गेंद उनके पाले में आती है उस गेंद को सीधे पहुंचाते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक और छक्का उनके बल्ले से आता हुआ, तीसरा सिक्स उनके बल्ले से आता हुआ, और उन्होंने शायद ये थान कर आया है, डगआउट से सेट होकर आया है, जानते हैं कि टीम को 52 रनों की दरकार है और इस 52 रनों को वो जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर रन संख्या अब जा पहुंची है 25 रनों के घर,
एक ओवर तीन गेंदों के समाप्ति के बाद 9 गेंदों में 25 रन मुकम्मल कर लिए। अभी भी 27 रनों की दरकार, आने वाली 15 गेंदों में अगर मुकेश खड़े रहे तो ये स्कोर मुझे लगता है कि 3.75 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है या फिर किस तरह गेंदबाज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। चलिए चौथी गेंद एक बार फिर से बल्लेबाज मुकेश के लिए, इस बार एक बार फिर से करारा स्ट्रोक लगाने की कोशिश। गेंद कारपेट के सहारे जाती हुई स्क्वायर लेग की तरफ, मिड ऑफ की तरफ, वहां पर गेंदबाज के पास वापस पहुंचाई गई गेंद। केवल एक रन बनाने का मौका और मुझे लगता है कि करावे टीम खुश होगी जब तक मुकेश नॉन स्ट्राइक पर है। जैसे ही वो स्ट्राइक पर आते हैं अपने बल्ले का मुंह खोलते हैं, बल्ले से आग उगलते हैं। जनसंख्या जाप पहुंची है 26 रन एक ओवर चार गेंदों की समाप्ति के बाद। अभी भी इस ओवर के 2 गेंदों शेष है। इस बार उमेश के पास है स्ट्राइक। यहाँ पर उमेश काफी सूझबूझ वाला खेल दिखाते हुए, अगर एक बैट्समैन अग्रेसिव मोड में है तो उसे स्ट्राइक पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है उमेश द्वारा। इसे ही कहते हैं कि तालमेल, इसे ही कहते हैं कि एग्रेशन वर्सेस टेम्परामेंट। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार गेंद बाहर थी, उसे खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के ऊपर हिस्से को लगकर गेंद गई विकेट कीपर के पास। और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ उमेश के रूप में टीम वाशी गांव के लिए। चलिए तो मैं वहां पे गांव के एक उत्कृष्ट आवाज प्रतीक पाटिल यहां पे उपलब्ध है। आगे की कहानी, आगे अगले ओवर की कहानी प्रतीक पाटिल की जुबानी। हेलो हेलो, धन्यवाद राहुल। तर येणारे चेंडू असतील 12 आणि धावा करायचे आहेत 25, 12 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। तर स्ट्राइक वरती खेळताना आपण पाहतोय मुकेश ज्याच्या बॅट मधून आतापर्यंत 3 षटकार आलेले आहेत। तर येणारे चेंडू असतील 12 आणि धाव करायचे आहेत 25, 12 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। तर प्लीज टेम्पो मैदानातून काढा। षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज वापरला जातोय महेंद्र। येणारे चेंडू असतील 12, धाव करायचे 25। पाहूया मुकेश, आता मात्र मोठा फटका, रक्षक चेंडू खाली झेल येतोय का, तोपर्यंत घोषितच्या स्वरूपात एखादा वेळ समाधान मानावं लागेल। धाव संख्येत 1 ने भर पडते, धाव फलकार धाव लागली ती म्हणजे 28। तर येणारे चेंडू असतील 11, धाव करायचे 24, 11 चेंडू 24 धावांची गरज। तर येणारे चेंडू असतील 10 आणि धावा करायचे 18, 10 चेंडू आणि 18 धावांची गरज। तर तिसरा चेंडू घेऊन ते आता मात्र मोठा फटका, शत्रक्षक चेंडू खाली येईल का, झेल येईल का, पाहूया झेल पकडतोय का, परंतु जीवनदान मिळते मुकेश याला। तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात, धाव संख्येत 2 ने भर पडते, धाव फलकार धाव लागला त्या म्हणजे 36। 3 चेंडूचा खेळ संपला आणि 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती 36। येणारे 9 चेंडू आणि 16 धावांची गरज, 9 चेंडू 16 धावांची गरज। तो जसजसे चेंडू पडतो तसं तसं समीकरण बदलतंय। तर येणारे चेंडू असतील 9 आणि धावा करत आहेत 16, 9 चेंडू 16 धावांची गरज। बॉलर नेम काय आहे रे,
तर चौथा चेंडू घेऊन इथे गोलंदाज महेंद्र समोर असेल. एकटाकेबाज फलंदाज मुकेश. तर चौथा चेंडू घेऊन इथे गोलंदाज महेंद्र. आता मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर होता. तोपर्यंत घोषित स्वरूपात एक धाव संकेत. एक ने भर पडते धावफलकर धाव लागले सदतीस. चार चेंडूचा खेळ संपला आणि चार चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या धावफलकरती 37 या आकड्यावरती. येणारे चेंडू असतील 8 आणि धावाकराचे 15. 8 चेंडू 15 धावा, 15 धावा 8 चेंडू, 8 चेंडू 15 धावांची गरज. तर पाचवा चेंडू घेऊन निघतो गोलंदाज महेंद्र. समोर असेल फलंदाज मुकेश. आता मात्र मोठा फटका. चेंडू जातो सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. तोपर्यंत झेल सुटते आणि या ठिकाणी सिंगल कंप्लीट केले जाते. तोपर्यंत एका धावावर समाधान मानावं लागेल. धावसंख्येत 1 ने भर पडते. धावफलकर धाव लागल्या 38. तर पाच चेंडूंचा खेळ संपला आणि पाच चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 38. तर येणारे चेंडू असतील 7 आणि धाव करायचे 14. तर प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावांची सरासरी. तर स्ट्राईक वरती खेळताना आपण पाहतोय मनोज. तर या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन ते गोलंदाज महेंद्र. समोर असेल फलंदाज मनोज. आता मात्र मोठा फटका. तोपर्यंत चेंडू जात वन बाउंड सी मारेगा पार चौकार. तर येणारे चेंडू असतील 6 आणि धावा करायचे आहेत 10. 6 चेंडू 10 धावांची गरज. यकीनन देखिए हम सभी जानते हैं कि कैचेस विन द मैचेस. यहाँ पर 3 मौके बनाए वहां पर महेंद्र ने टीम के लिए. पहले गई थी गेंद विकेट कीपर के पास, उसके बाद गेंद गई वहां पर मिडॉन के पास, और उसके बाद गेंद गई वहां पर लॉन्ग ऑफ के पास, और तीनों ही कैचेस छोड़े गए. और तीनों ही कैचेस किस बल्लेबाज के, मुकेश के, जिन्होंने अब तक 4 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं और अपनी टीम को यकीनन जीत के पास ले गए हैं. तक इस ओवर में 4 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए गए हैं. कमाल की गेंदबाजी नीलेश द्वारा. यहां पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, मुझे लगता है कि यहां पर मुझे लगता है कि नहीं लगी है गेंद, और इसी के चलते यहां पर केवल 1 रन मिलेगा. स्ट्राइक चेंज हो चुकी है. काफी कोशिश की गई थी वहां पर गेंदबाज द्वारा, नीलेश द्वारा, की गेंद घोषित क्षेत्र में जाए और 1 रन निर्धारित दिए जाए, लेकिन गेंद ने गेंद के मंसूबे कुछ और थे, गेंद की चाहत कुछ और थी, और गेंद ने दिया है एक मौका यहाँ पर वाशिक गांव 11 के लिए और वाशिक गांव के बल्लेबाज मुकेश के लिए. अब ये मुकेश के लिए होगा हीरो बनने का चांस, या फिर नीलेश बनेंगे हीरो. 1 गेंद 5 रन, अच्छी गेंदबाजी. अब तक 5 गेंदों में केवल 5 रन खर्च किए हैं. 1 गेंद 5 रन. बैट्समैन या बॉलर, नीलेश या मुकेश, ये ले चले आखिरी गेंद इस ओवर की. यहां पर अंपायर के इशारे का वेट करता हुआ, अंपायर का इशारा लीगल डिलीवरी. इस गेंद को छोड़ा और यह गेंद लेग स्टिप के ऊपर थी और इस गेंद को गेंद करार दिया. इसी के चलते यहां पर नीलेश बने टीम करावे के लिए हीरो और इस मुकाबले को अपनी टीम के पक्ष में किया है डीजे.